जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती हिंदुस्तान। आप जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गांव बदानी की है। आज राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा गांव बदानी पहुंचे। उन्होंने आज एक गुरुकुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर वो बदानी गांव में पहुंचे और समस्याओं का समाधान भी किया, तुरंत फ़ोन भी किए। कार्यकर्ताओं की वही लोकप्रियता वही अंदाज में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुँचे, युवा साथी मिले। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में साथियों ने अपने जो काम है उन समस्याओं को दीपेंद्र को बताया और उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया और कहा कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में उन्होंने संपत्तियों को भी सम्मानित किया। एक घंटे में कितने में 1603 एक घंटे में 1603 दंड मारने का काम 65 साल से बच्चा हो तो बड़ा हो कोई भी अच्छा काम करेगा हम उसको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने दिल्ली में बता रहे थे दिल्ली से जरूरी आपका रूट से जड़ जाओगे तो सबके में लगा जिस दिल्ली से आप 5 गुना में तो आप तो मानेंगे ये रिजल्ट याद हो गया तो मानेंगे कहने में। और जो है ना जी मैं सब करके दिखाया हूँ, फौज में था जी भी करा दी सामने एक बच्चा हमारा क्या नाम है बेटा आपकी। अगली पीढ़ी है, इस अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा, इसमें कोई मैं कोई नई चीज़ बता दूं ऐसा नहीं, शिक्षा से आगे शिक्षा से जरूरी कोई हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते। शिक्षा अगर देके जाएंगे तो सब कुछ दे दिया, और अगर शिक्षा में हम अगर अपनी तरफ से ढील अगर बरतते हैं अगली पीढ़ी के लिए तो हम उनके भविष्य के साथ नहीं अपना भी, मैं समझता हूँ कि हम भी अपने साथ भी उनके साथ भी हम न्याय नहीं कर रहे। तो मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो अभी इतना जो छोटा सा हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा उसको इतनी आप अच्छे से तैयारी करवा के यहां पे लाए थे तो ये बहुत एक हार्टनिंग बात है। मैं भी मेरा भी शुरू से शिक्षा में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि भी रही है, दोस्तों मैं आपको बताऊँ और आज तक भी रुचि है। मैं तो जब जो है बीटेक करी फिर एमबीए किया और हमेशा कहते हैं टॉपर में ही रहा 10वीं में 12वीं में। उसके बाद अभी भी एमपी जब था तब भी मैंने आपको पता नहीं तब भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करी एलएलबी करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया मैंने। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का क्या जो है पढ़ाता भी हूँ कई यूनिवर्सिटीज के अंदर बाहर अमरीका तक में कई यूनिवर्सिटीज में जो है पीछे मैंने लेक्चर भी के लिए मेरे को बुलाया गया तो ये चीज़ मगर मैं ज़्यादा कभी इस बात को जो है वो क्योंकि ये एक अलग फील्ड है मगर कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है और हमारा क्षेत्र हमेशा शिक्षा में आगे भी रहा है। ये जो पुराना रोहतक था उसकी मजबूती जो मानी जाती थी पुराने रोहतक की पूरे हरियाणा में या उस टाइम के पंजाब में या उत्तर भारत में पुराने रोहतक की मजबूती जो मानी जाती थी उसमें कारण मुख्य कारण ये था कि पुराना रोहतक शिक्षा में आगे था। सारी संस्थाओं की स्थापना यहाँ पे शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना चाहे वो अपना जाट संस्था की स्थापना हो वहाँ से 100 साल से पहले जाट संस्था की स्थापना रही चाहे वो सैनी संस्था की स्थापना हो रोहतक में गौड़ ब्राह्मण संस्था की स्थापना हो चाहे वैश्य संस्था की स्थापना हो महात्मा गांधी जी खुद जो है महात्मा गांधी जी 1923 में जाट संस्था रोहतक में और वैश्य संस्था का पत्थर रखने महात्मा गांधी ने खुद वैश्य संस्था का स्थापना करी थी और जाट संस्था में उन्होंने सभा आयोजित करी थी 1923 में बता रोहतक आए थे महात्मा गांधी तब पूरा इलाका जो है इसके शिक्षा की वजह से चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों चाहे आर्मी हो चाहे तो हर चीज़ में हमारा इलाका आगे गया। तो उस समय अपनी जो जो हमारे इलाके की एक धरोहर है परम्परा है
यूनिवर्सिटी भी सबसे पहले अपने आई, तो ये उसको हम आगे रखें, उससे हमारा आगे अगली भविष्य की पीढ़ी आगे जाएगी, उसमें आप योगदान दें, महत्वपूर्ण योगदान दें, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके साथ। मगर साथ में मैं एक बात आखिर में कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज ऐसे समय में ये प्रोग्राम जो है कहते हैं के कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कि हमारा देश का किसान और मजदूर आज व्यथित है और धरनों पे और जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही 250 से ज़्यादा, आज तक कभी देश 70 साल के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि 250 लोग जो है वहाँ से अपनी जान कुर्बान करके उनकी शव अपने गाँव में आ गए, मगर फिर भी सरकार की कोई सुनवाई नहीं। तो मैं आप सबसे कि भाई सारा यहाँ पे गाँव बैठा है कि भाई हम और तो कुछ अपना वहाँ पे जो तो आज भी टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर का धरना है, जिस जिले में आप खड़े हो डॉक्टर साहब, आपका जिला है तो आप दिल्ली में ज्यादा रहते हो मगर आप भी देखते हो 17 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर पे ढांसा पे भी बैठे हैं, 14 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर पे आप बैठे हैं, तो मैं आप सबसे पूरे गाँव से कि भाई आज एक बार हाथ खड़ा करके कि भाई हम देश के किसान और मजदूर के साथ हैं, भाई भगवान भाई हम साथ हैं, और सरकार भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार बातचीत करके इस गतिरोध को समाप्त कराए, देश के किसान की सुने, ये हम आज हमारी ये यार है ना सरकार ना रहे आगे ये आगे तो यार ये हाँ इसमें लगे हुए हैं, हरियाणा की सरकार भी तोड़ने में लगे हुए हैं देखो, क्योंकि अब 10 तारीख को विश्वास प्रस्ताव लाएंगे चंडीगढ़ में ताकि मतलब ताकि ये क्लियर हो कि भाई देश के किसान की क्या कोई जान की कोई कीमत भी है कि नहीं है। ये हरियाणा की सरकार जो सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है, सारे दुखी हैं जी, हम शारीरिक रूप से यहाँ है मगर हमारा जी वहाँ जो बन रही है वो हमें पता है, तो आज हमने हम श्रद्धांजलि दे दी और हाथ खड़ा करके हमने, तो मैं डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर बहुत बहुत अपना शुक्रिया देते हैं। रास्ता छोड़िए।